लास्ट दो एपिसोड में हम जो थायराइड के बारे में डिस्कस कर रहे थे उसी को आज हम आगे बढ़ाएंगे और कुछ और भी अगर सवाल आज जैसा फरमा रहे थे हमारे न्यूज़ चैनल वाले तो उनका भी जवाब देने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। देखिए ये ऐसा सवाल है, आदत हो जाती, ये एक ज़रूरत है, आदत और ज़रूरत में फ़र्क को महसूस करना ज़रूरी है। जैसे मैं लास्ट टाइम बताया था कि ये एक हार्मोन है जो एक गुदूद से निकलता है, जब वो गुदूद काम नहीं कर रहा तो हार्मोन बनने वाला नहीं है और उस हार्मोन की ज़रूरत जिस्म में है। अब आपके जिस्म में अगर जब हार्मोन बन ही नहीं रहा है तो आपको कहीं ना कहीं से उसको देना है, तो वो गोली की शक्ल में डायरेक्ट हार्मोन मिल रहा है तो क्यों ना आप उसका इस्तेमाल करके अपनी तबीयत को जल्द से जल्द ठीक करें। ज़रूरत है, इसे खाना लाजमी है, ज़रूरी है। डॉक्टर साहब अक्सर मरीज कहते हैं कि ठीक हो गए लेकिन अब फिर गोली क्यों खाना, तो ये भी उसी का है कंटिन्यूशन। जैसे कुछ लोग समझते हैं कि जब भी हम चेक करा रहे हैं थायराइड, हमारा थायराइड नॉर्मल आ रहा है और डॉक्टर हमको रिपीट करने के लिए बार बार बोल रहे हैं, टेस्ट करवा रहे हैं बार बार और फिर गोलियां खिला रहे हैं, रिपोर्ट तो नॉर्मल आ रही है तो फिर हम गोली क्यों खाएं। हमारे पड़ोस में उन्होंने गोलियाँ छोड़ दिए, दो महीने से कुछ भी नहीं, उनका थायराइड नॉर्मल आ रहा, उनको कुछ हो रहा नहीं। तो अक्सर ये क्योंकि ये बीमारी इतनी आम है कि लोग आस पड़ोस या फिर रिश्तेदारों को या फिर करीबी लोगों को देखकर उसके हिसाब से लोग सोच लेते हैं, कुछ छोड़ के भी कोशिश कर लेते हैं। जब रेगुलर दवा खाते हैं आप सालों तक और सडनली छोड़ देते हैं तो वापस उसके असर आने में टाइम लगता, कभी दो महीने कभी तीन महीने, हर इंसान को मुख्तलफ, तो कुछ लोगों को छः महीने भी लग जाते, तो लोग उस पीरियड में ऐसा समझते हैं कि उनको बीमारी ही चले गई। फिर जब वापस जब बीमारी शुरू होने लगती, फिर जब वो लोग फिर थायराइड टेस्ट कराते, जब देखते हैं कि काफ़ी शिद्दत से बढ़ा हुआ है, फिर वापस आते फिर गोली खाते। तो ये अक्सर लोगों की तकलीफ कंप्लेंट्स है, ऐसा ये लोग करते हैं, रिपोर्ट नॉर्मल है क्यों गोली खाएं। ऐसा मत करिए, रेगुलर गोली खाइए, एक गोली से ही आपको आराम से इसका कंट्रोल हो जाता है, क्यों बार बार आप इसको जो है डिसकंटिन्यू करके फिर खाना चाह रहे हैं, ये बात गलत है, ऐसा मत करिए। देखिए ऐसे भी कई सवाल मैं एक्चुअली मेरे ओपिनियन में कई बार मुझसे भी ऐसे सवाल किए जाते हैं, डॉक्टर साहब हमको किस चीज़ का थायराइड है, सर का है पेट का है थायराइड किसका है। जैसे मैंने लास्ट एपिसोड में आपको इसके बारे में बताया था कि ये एक हार्मोन है जो जिस्म में हर जगह पर सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक इसकी ज़रूरत है। अब समझिए आपकी याददाश्त में फ़र्क हो रहा है, चिड़चिड़ापना हो रहा है, तो लोग समझते हैं थायराइड सर का है, बाल झड़ रहे हैं तो बाल का थायराइड है, तो ये ऐसा सोचना गलत है कि पेट का। आप किसी को मोशंस नहीं आ रहे, तकलीफ से मोशन आ रहे काफ़ी, दो दो दिन तक नहीं आ रहे, तीन दिन तक नहीं आ रहे, तो लोग समझते हैं मेरे को पेट का थायराइड है। तो किसी को पेट की कंप्लेंट्स आती हैं, किसी को सर की कंप्लेंट्स आती हैं, किसी को बाल झड़ने की, किसी को स्किन की, तो मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ कंप्लेंट्स आते हैं, बॉडी कैसे रिएक्ट करती है उस हिसाब से कंप्लेंट्स आते हैं। ये बोलना सही नहीं है, मुनासिब नहीं है कि मेरे को पेट का थायराइड है सर का थायराइड है, ये चीज़ गलत है। देखिए मेरा क्लिनिक है यहाँ पे सेंटेंस स्कूल के पास विजयनगर कॉलोनी में, आप यहाँ पे आके मुझसे मुलाकात कर सकते हैं, मैं डेली यहाँ पे 5:30 बजे से रहता हूँ 9 बजे तक, तो आप आके मुझसे मुलाकात कर सकते हैं।